आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की जो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है उसमें आज हम लोग 7 अगस्त की करंट अफेयर देखेंगे। 7 टॉपिक्स आए थे, कुछ लेंथी टॉपिक्स हैं इसमें और एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत सारा स्टैटिक जो आपका सिलेबस है उसको भी कवर करने में हेल्प करेंगे। आई थिंक 3 टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपको स्टैटिक सिलेबस में बहुत बड़ी रिविजन दे देंगे। प्रीलिम स्पेसिफिक जो लोग चैनल से नए जुड़े उनके लिए बता देता हूँ कि इसके मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जनवरी 2020 से लेकर और जिस भी मंथ में होगा। सिमिलरली विजन की मंथली कंपाइलेशन के अंदर शॉर्ट न्यूज़ आती है, उसकी भी वैसी सीरीज़ बनाऊंगा अलग से, उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा अभी 2-4 दिन में। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीना पहले वो आपको मिल जाएगा। एंड इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन नहीं बनेगी क्योंकि इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन में यही डेली न्यूज़ ही होती है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होती है। तो मैं डेली न्यूज़ की सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वही चीज़ है मंथली कंपाइलेशन में, न्यूज़ सारी वही है, एक एक अल्फ़ाबेट वही है, मैंने पूरी न्यूज़ कवर की हुई है। और 99% जो प्रीलिम्स के लिंक क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं कवर कर देता हूँ, इसलिए आप लोगों को स्पेशली कोई मंथली कंपाइलेशन की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके काम आ जाएगी। स्टार्ट करने से पहले अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने विजन की जो लास्ट जून मंथ की इकोनॉमिक की वीडियो बनाई थी ना, उसमें कल एक पार्ट था वो थोड़ा सा म्यूट चला गया था, तो उसको मैं आज थोड़ा सा एडिट करता हूँ। मैंने वो 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली थी अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसको मैं अभी एडिट करके और दोबारा से उसको सेव करके प्लेलिस्ट को दोबारा से अपलोड करता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा एक दिन का आज का डिले हो जाएगा, पर आज वो अपलोड हो जाएगी। एंड ठीक है, अभी 7 अगस्त को स्टार्ट करने से पहले 6 अगस्त का हल्का सा रिविजन कर लेते हैं एक बार। 6 अगस्त की न्यूज़ में 6 टॉपिक्स आए थे हमारे पास। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक नया मैप अनवील किया है जहां पर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ को पाकिस्तान का पार्ट बताया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि उनके लोगों के नए एस्पिरेशंस हैं। इंडिया ने इसको एकदम अब्सर्ड बताते हुए एकदम डिनाई कर दिया है। उन्होंने इस तरह के मैप को रिलीज़ करने का टाइम रखा था जब हम लोगों ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के रिपील होने की एक एनिवर्सरी थी उस टाइम पर। सर क्रीक के बारे में हम लोगों ने जाना था, एक स्ट्रिप है वाटर की, पाकिस्तान बोलता है कि इस वाटर का ईस्टर्न पार्ट जो कि इंडिया का लैंड है वहाँ तक उसकी बाउंड्री है। इंडिया कहता है कि एक जो थालवेक डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक किसी भी ऐसी रिवर के ऊपर अगर कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है तो उस रिवर के मिड चैनल को हम लोग बाउंड्री कंसिडर करते हैं। जूनागढ़ की रिगार्डिंग भी उन्होंने जूनागढ़ को अपना पार्ट बताया था। जूनागढ़ में हम लोगों ने बॉम्बे के रिगार्डिंग कुछ रेजोल्यूशंस थे उनके ऊपर बात की थी 1914 के। डेफेमेशन केस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एमपी महुआ मोहित्रा के ऊपर जी न्यूज़ ने डेफेमेशन का केस लगाया था। फिर हम लोगों ने देखा था डेफेमेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके लीगल प्रोविज़न क्या है हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर, और इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस क्या कुछ दोनों चीज़ें देखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या कुछ कहा हुआ है। ब्रूज़ ने रीसेटलमेंट साइट्स का जो प्रपोजल आया था त्रिपुरा के नॉन ब्रूज़ के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये एक एथनिक क्राइसिस हुआ था 1997 के अंदर और तब से 23 साल से ये लोग नॉर्थ त्रिपुरा में रह रहे थे। इनको रीसेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स किए थे, कुछ कमिटीज़ बिठाई थी। अब इन लोगों को जो एरिया दिया जा रहा था उसके अंदर इनको कुछ नाराज़गी है। इन्होंने कहा है कि पहली बात तो नॉन ब्रूज़ ने सेटलमेंट को किया है, फिर 37,000 के आसपास लोग थे जो शिफ्ट हुए थे त्रिपुरा के अंदर, ये लोग कह रहे हैं कि 5,000 तो ऑलरेडी मिज़ोरम में शिफ्ट हो चुके हैं वापस, लेकिन जो 32,000 हैं इन्होंने कहा कि हमारी मर्ज़ी से हमको लोकेशन दो, ठीक है। और कुछ इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ पहले भी एक एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें हाईलाइट किया था, इन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में इनको 600 करोड़ का एक रीसेटलमेंट प्लान है, उसमें इन लोगों को रहने को घर दिया जाएगा, 2 साल तक हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे और प्लस में इन लोगों को 4 लाख रुपए की FD करा के भी दी जाएगी एंड घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे इनको। फ्लोरोसिस क्या होता है और इसके रिगार्डिंग जो साइंटिस्ट हैं हमारे INST के, उन्होंने एक इक्विपमेंट तैयार किया कि आप किस तरीके से वाटर का फ्लोरोस उस वाटर में फ्लोराइड है यानी वो टेस्ट कर सकते हो। फ्लोरोसिस एक टाइप की क्रिपलिंग डिजीज़ होती है, अगर मैं आपको फोटोज़ में दिखाऊं तो डेंटल फ्लोरोसिस आप लोगों ने देखा होगा, स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है और नॉन स्केलेटल होता है जिसमें आपके जॉइंट्स वगैरह में काफ़ी पेन होता है। NGT ने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी हैं ग्राउंड वाटर के कमर्शियल यूज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह के ऊपर। जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइंस 2018 की थी, उनको लास्ट ईयर NGT ने रिजेक्ट कर दिया था और इस बार की भी थी उनको NGT ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने NGT की कंडीशंस देखी थी, उन्होंने बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी हैं किसी भी तरीके का ग्राउंड वाटर का कोई कमर्शियल यूज़ होगा उसके ऊपर, और इसके रिगार्डिंग जिनके ऊपर भी वो कंडीशंस लगाएगी उन्होंने कुछ कंसर्न जताए हैं।
एनजीटी ने ऐसी कंडीशंस इसलिए लगाई थी कि डिपेंडिंग अपॉन इंडिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दिए थे, एनजीटी ने कंडीशंस दिए थे। यहाँ पर हम लोगों ने एनजीटी की कॉम्पोजिशन वगैरह के बारे में देखा था, अटल भूजल योजना के बारे में भी पढ़ा था, अमोनियम नाइट्रेट क्या है और जो मैसिव एक्सप्लोजन हुए हैं बेरूत के अंदर वो क्या हुए थे। अमोनियम नाइट्रेट एक तरीके का वाइट क्रिस्टलिन केमिकल है जो वाटर में सोल्यूबल होता है। अपने आप में इतना ये डेंजरस नहीं है, लेकिन इसको जब हम लोग फ्यूल ऑयल के साथ मिला देते हैं तो ये काफ़ी एक्सप्लोजिव बन जाता है। और इंडिया के अंदर हम लोग इसको किस किस एक्ट में रेगुलेट करते हैं, जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट के रूल्स हैं, प्लस में कहाँ कहाँ ये स्टोर किया जा सकता है, किस किस एरिया में इलीगल होता है, कौन से इंडस्ट्रियल एक्ट्स वगैरह लाइसेंस कहाँ कहाँ चाहिए होते हैं, हेल्थ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। 7 अगस्त के हमारे टॉपिक्स में पहला है अबनिंद्रनाथ टैगोर, सेकंड इज़ जापान ने अपनी 75th एनिवर्सरी मनाई है हिरोशिमा के एटॉमिक बॉम्बिंग की, थर्ड पे हमारे पास कैग, फोर्थ के ऊपर है EWS का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का कोटा जिसको चैलेंज करने के लिए रेफर किया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और सुनामी रेडी। GS पेपर 1 के अंदर हमारा पहला टॉपिक है अबनिंद्रनाथ टैगोर, दिस इज़ कवर्ड अंडर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम ऑल अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, उसके कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ और उससे कनेक्टेड इशूज़। एक जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है न्यू दिल्ली में, वो एक वर्चुअल टूर करेंगे जिसका टाइटल होगा द ग्रेट मैस्ट्रो अबनिंद्रनाथ टैगोर, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए जो 7 अगस्त 2020 को है। अबनिंद्रनाथ टैगोर कौन थे, देखो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर भी एक वर्चुअल टूर की न्यूज़ पढ़ी थी, इफ़ आई कैन रिकॉल द मंथ आई थिंक वो मई में हम लोगों ने पढ़ा था उसको, आई एम नॉट श्योर। अबनिंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे और ये बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के, और इनका जो पहला मेजर सपोर्ट, ये जो इंडियन आर्ट को सपोर्ट करना था ना उसमें स्वदेशी वैल्यूज़ को सपोर्ट करने वाले ये पहले मेजर सपोर्टर थे। कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम लोग अबनिंद्रनाथ टैगोर की, उन्होंने इंडियन आर्ट और कल्चर में क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया था, तो सबसे पहले आता है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। पहले उन्होंने क्रिएट किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को और उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। वो बिलीव करते थे कि इंडियन आर्ट और उसके जो आर्ट फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, इसे वेस्टर्न जो कल्चर है वो अपोज कर रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का जो फोकस है वो मटेरियलिज्म के अंदर है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया था और इंडियन आर्ट एंड फॉर्म्स की जो पावर है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उसको रिवाइव करने की बात की थी। इनका आइडिया था कि जो मुगल और जो राजपूत की पेंटिंग्स हैं जिसके कारण आज की डेट में मॉडर्न इंडियन पेंटिंग निकल के आई है, इवॉल्व होके आई है, उसको वो मॉडर्नाइज़ करना चाहते थे, जो एक बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की फॉर्म में निकल के आया। फिर उनके जो मोस्ट ऑफ जो उनके वर्क थे जो पेंटिंग के राइटिंग वगैरह के, वो हिंदू फिलॉसफी के सराउंड ही हैं। बाद के इनके कुछ काम थे जो, तो अबनिंद्रनाथ टैगोर ने इंटीग्रेट किया था चाइनीज़ और जैपनीज़ के कैलीग्राफिक ट्रेडिशंस को अपने स्टाइल के अंदर। उनकी इस इंटेंशन थी कि वो एक अमलगमेशन, एक मिलावटी चीज़ बनाना चाहते थे मॉडर्न पैन एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन का। पैन का मतलब होता है ऑल अराउंड, और कुछ कॉमन एलिमेंट्स थे उसमें ईस्टर्न आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल कल्चर के। इनका बर्थ 1871 में हुआ था 7 अगस्त को। उनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स थी, जैसे भारत माता की एक पेंटिंग थी, उसमें एक फीमेल डिपिक्ट करती थी एक डीटी की फॉर्म के अंदर और उनके 4 हैंड्स थे, और ये बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। फिर उन्होंने बनाई थी पासिंग ऑफ शाहजहाँ 1900 में, माई मदर 1912-13 में, फेरी लैंड इलस्ट्रेशन, जर्नीज एंड सरका 1913 में। अगर हम बात करते हैं लिटरेचर के रिगार्डिंग, देखो ये पेंटिंग्स थी और ये लिटरेचर, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अबनिंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही प्रोफिशिएंट और अकम्प्लिश राइटर भी थे। उनके जो मोस्टली लिटरेरी वर्क्स थे वो बच्चों के लिए थे। उनके कुछ बुक्स के नाम थे बोधो अंगला, खिरेर पुतुल, राज काहिनी, और जो बेस्ट एग्जाम्पल थे ये सारे के सारे बंगाली चिल्ड्रन लिटरेचर के बेस्ट एग्जाम्पल थे। विलियम रॉटनस्टीन ने रविंद्रनाथ, देखो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, ये वाला पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ये आप अबनिंद्रनाथ के रिगार्डिंग नहीं है। विलियम रॉटनस्टीन ने हेल्प किया था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और यहाँ से ही इस ट्रांसलेशन के बाद ही गीतांजलि नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो पाई थी। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिला था इसके रिगार्डिंग।
अरेबियन नाइट की सीरीज़ भी है, ये इनका एक नोटेबल वर्क है। देखो आप लोग सोच रहे हो कि अरेबियन नाइट सीरीज़ तो इन्होंने लिखी नहीं थी, हाँ अरेबियन नाइट सीरीज़ की पेंटिंग की थी। और ये वाला जो पॉइंट है ये अवनींद्रनाथ टैगोर से कनेक्टेड है। ये जो एक पॉइंट है इन्होंने गलती से बीच में रविंद्रनाथ टैगोर का ऐड कर दिया गया है। हम लोग बात तो अवनींद्र के बारे में कर रहे थे और ये वाला पॉइंट इन्होंने लिटरेचर में ऐड कर दिया। एक्चुअल में ये उनकी पेंटिंग की सीरीज़ थी, इसको यहाँ पर ऐड करना चाहिए था। तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा, आपको पता होना चाहिए बातें। इंडियन सोसाइटी ऑफ स्कूल आर्ट्स और इसके रिगार्डिंग कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात करें, तो देखो 1907 के अंदर 1907 के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फॉर्म हुई थी कलकत्ता के अंदर। क्यों फॉर्म हुई थी? जो नई मूवमेंट थी ना पेंटिंग की, जिसको साइकोलॉजिकल और जो इंडिजिनस आर्ट का सपोर्ट मिल रहा था, उसको फोस्टर करने के लिए। फोस्टर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को एनहेंस करना, सपोर्ट करना, ठीक है ना। इंडीड जो फाउंडेशन थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था हमारे हिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने कल्चरल नेशनलिज्म की ग्रोथ की थी इंडिया में, जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात थी। प्लस में इस सोसाइटी ने बहुत ही रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज जो था ना ओरिएंट का, ठीक है। ओसिडेंट क्या है? ओसिडेंट हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को बोलते हैं, ओरिएंट बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न वर्ल्ड को, ठीक है ना। जो भी हमारे इंडियंस की कल्चरल आइडेंटिटी थी ना, उसको इवॉल्व करने में इस सोसाइटी ने बहुत हेल्प की थी। प्लस में हमारे ऊपर उस समय में एक कल्चरल सुप्रीमेसी हुआ करती थी ओसिडेंट की। ओसिडेंट मैंने आपको क्या बताया? वेस्टर्न साइड। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। आपने कभी सुना ना हो कि ओरिएंट और ओसिडेंट किसको बोलते हैं। ईस्ट और वेस्ट जो बोलते हैं ना हम लोग, ईस्टर्न वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग आ जाते हैं एशिया यूरोप, और ये यूरोप तो नहीं आता इतना, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अमेरिका कैनेडा साउथ अमेरिका ये सब आ जाते हैं। ये तो ओरिएंट होता है ईस्टर्न वर्ल्ड, लिख लो कहीं पर काम आएगा। ओसिडेंट होता है वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का राज था, तो हमारे ऊपर एक कल्चरल सुप्रीमेसी हुआ करती थी ओरिएंट की, ठीक है ना। उस सब को डिमोलिश करने के लिए और ओरिएंट की जो कल्चरल वैल्यूज़ थी उनको रिवाइव करने के लिए इस सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर हम बात करते हैं इसके बाद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, तो इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं बंगाल स्कूल भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये भी एक आर्ट मूवमेंट थी, ठीक है ना, और इसमें इंडियन पेंटिंग का स्टाइल था जो ओरिजिनेट हुआ था बंगाल के अंदर। प्राइमरीली अगर हम बात करें तो कोलकाता हो गया, शांति निकेतन हो गया यहाँ पर, और ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लरिश होने लगा था, स्पेशली जो ब्रिटिश राज का टाइम था 20th सेंचुरी में। इसको हम लोग इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोलते थे स्टार्टिंग के दिनों के अंदर, और ये एसोसिएटेड था हमारे इंडियन नेशनलिज्म से, यानी कि स्वदेशी से। इसको लीड कर रहे थे कौन? वही अवनींद्रनाथ टैगोर जी। प्लस इसको प्रमोट करना और सपोर्ट करना, ये ब्रिटिश के आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे एक ई बी हैवेल, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है ना। और इसी के कारण मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की डेवलपमेंट हो पाई थी। ऑलराइट, तो इतना ही आई थिंक क्या रहेगा। सब्जेक्ट तो हो गया है, लिटरेरी वर्क्स भी हो गया, फेमस पेंटिंग्स का भी पार्ट हो गया हमारा। लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी वेरी लेंदी एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपका कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें से रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा कवर भी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ तो ऊपर वाले टॉपिक में थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। हम लोगों ने जब बात की थी, मैं इसी टॉपिक में आपको बता रहा था ना, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, नहीं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में, मैंने आपको बताया था कि कोलकाता और शांति निकेतन में ये हुआ था। तो शांति निकेतन एक सिटी है बोलपुर सब डिवीज़न, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। उसके नेबरहुड में है शांति निकेतन, अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता से कुछ 150 किलोमीटर दूर है। इसको शांति निकेतन को एस्टेब्लिश किया था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, और बाद में इसको एक्सपैंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, जहाँ पर उन्होंने अब एक यूनिवर्सिटी है टाउन के अंदर जिसका विश्व भारती के नाम से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जापान मार्क्स 75th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग। ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में कवर होता है, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, इतना ही मान लो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में कवर होता है। 6 अगस्त को जापान ने अपनी 75th ईयर मनाई है, जहां पर उनके ऊपर पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का अटैक हुआ था, वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था। और कोरोना वायरस के पैंडमिक के दौरान सेरेमनी वो लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाए, जहाँ पर वो लोग अपने विक्टिम्स को हर साल याद करते हैं। 6 अगस्त को क्या हुआ था?
6 अगस्त 1945 को यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के सिटी हिरोशिमा में। इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, उसके 3 दिन बाद ही, ठीक है ना, बेसिकली यूएस इस टाइम पे जापान को फोर्स कर रहा था कि वो सरेंडर कर दे, तो जापान ने मना कर दिया, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, और जापान इस टाइम के ऊपर बेसिकली जो ईस्ट इंडीज़ एरिया था ना, वहाँ पर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वाला हो गया, इंडोनेशिया का पार्ट हो गया, इवन पार्ट्स ऑफ म्यांमार, पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन सब के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंस जमाना चाह रहा था, क्योंकि जापान को लग रहा था कि यहाँ पर उनको मिनरल रिसोर्सेज बहुत मिल सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर का एक तरीके से एंड हो चुका था और यूएस ने बोला था जापान को कि आप सरेंडर कर दो, जापान मना कर रहा था, तब यूएस ने बात की कि ठीक है, हम आपके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे। 6 अगस्त को एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा के अंदर। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने सरेंडर नहीं किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन बाद एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, वो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। ठीक है, नागासाकी एक्चुअल में टारगेट नहीं था, टारगेट एक दूसरी कंट्री थी, उसका दूसरी लोकेशन थी, उसका नाम आई थिंक कुछ क्यों कुछ करके था, मैं उसका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योरो कुछ करके था उसका नाम। लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन के कारण, जो पहले एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पर जो इतना ब्लरनेस हो गया था, धुआं धुआं, तो सेकेंड टारगेट नागासाकी को बनाया गया था। नागासाकी में जब ये ड्रॉप किया गया था तो उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। तो पहले 6 अगस्त को ड्रॉप किया गया था लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, और 9 अगस्त को ड्रॉप किया गया था फैट मैन, मोटा आदमी। आप पहले छोटा बच्चा होता है फिर वो मोटा होता है, ये इस सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हो। थाउजेंड्स और हंड्रेड्स की यहाँ पर डेथ हो गई थी। अगर हम बात करते तो स्टार्टिंग में जो पहले डे जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, एक अटैक के अंदर 80,000 लोग एक बारी में मर गए थे, और उसके आने वाले दिनों के अंदर तो बहुत लोगों की डेथ होती रही थी। पहले ही एक एक्सप्लोजन में 80,000 की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट के अंदर जो हम लोगों ने नागासाकी पर गिराया था, हम लोगों ने मतलब यूएस ने जो नागासाकी पर गिराया था, वहाँ पर 40,000 पीपल्स एक्जैक्टली एक बारी में मर गए थे, और उसके आने वाले समय के बाद जो मर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, इसको वी जे डे भी बोला जाता है। ठीक है, विक्ट्री ओवर जापान डे बोलते हैं इस दिन को। और उसके बाद जो रेडिएशन हुई थी एटॉमिक बॉम्ब के कारण, फिर वहाँ पर ब्लैक रेन भी हुई थी जो आने वाले समय बहुत दिनों तक चल रही थी। आज की डेट में भी उस रेडिएशन के कारण जेनेटिक जो मैनिपुलेशन हो गया था, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था, लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से जापान के अंदर। यूएस ने हिरोशिमा को और इसको क्यों बॉम्ब किया था मैंने आपको बता दिया था कि उस समय प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन। ठीक है, और इससे जो पहले जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, 1945 के अप्रैल में, उसके बाद हैरी ट्रूमन आए थे। ठीक है, बॉम्ब को किसने डेवलप किया था, ये बड़ी सही चीज़ होगी यहाँ पर। देखो 1930s से ही ना, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्सिस पावर क्या थी और एलाइड पावर्स क्या थी। ठीक है, एक्सिस पावर में आता है हमारा जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, एलाइड पावर्स में आएगा यूके, यूएस, रशिया, चाइना। एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी से कुछ बात ये चल रही थी कि जर्मनी जो है वो बॉम्ब डेवलप कर रहा है। ठीक है ना, किसी तरीके का ऐसा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन जो थे ना वो डेवलप हो चुका था, तो इन सब के साइंटिस्ट जो थे मिलकर के ऐसा बॉम्ब डेवलप कर रहे थे, ये खबर मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें खबर मिली थी कुछ 1930s के आसपास कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, कोड नेम था जिसका मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को नाम चलाया गया था, और इसमें जो लीड पे थे वो थे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को बताया नहीं गया था कि वो किस पर्पज़ के लिए उनको काम के लिए लिया जा रहा है, उनको था कि रिसर्च पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। इवन ओपेनहाइमर ने बाद में बहुत रिग्रेट किया था कि उन्होंने क्या गलत इन्वेंशन कर दी इस वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर ब्रिटेन के टेक्निकल पीपल और यूके, यूनाइटेड स्टेट्स के जो टेक्निकल पीपल थे, इन्होंने मिलकर बॉम्ब्स डेवलप किए थे। ठीक है, तो एक्सिस पावर आपको पता चल गया, एलाइड पावर्स आपको पता चल गया, इंस्टा के इफेक्ट्स तो मैंने आपको खैर बता ही दिए हैं। एलाइड पावर्स कौन थे, एक्सिस पावर कौन थे, ये तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। अगर हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या थे, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको एक PDF दिखानी पड़ेगी कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर दिखाने के लिए, ताकि आपको आसानी समझ आए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, इन बॉम्ब्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड था। वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स क्या थे, ये भी मैं आपको अलग PDF दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट इवेंट्स और बैटल्स थे ना, वो सब इनके अंदर ही कवर हो जाएंगे जब मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। बैटल मिडवे भी, और व्हाट लेड टू द अटैक ऑफ द पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर के अंदर जो अटैक हुआ था ना, उसका एक बहुत मेजर सा रीज़न था कि पर्ल हार्बर जो है वो हवाई आइलैंड के ऊपर है। ठीक है,
अब यहाँ पर हवाई आइलैंड के ऊपर होनोलुलु जो उसकी कैपिटल है वहाँ पर एक हार्बर है जिसका नाम पर्ल है। इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत मूवी भी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही पॉपुलर मूवी है, बहुत हिट हुई थी वो मूवी। यहाँ पर जापान ने 7 दिसंबर को ठीक है अटैक कर दिया था। और जापान ने इसके ऊपर अटैक क्यों किया था, जापान का बहुत सीधा सा मानना था कि वो पैसिफिक ओशन के अंदर अपनी डोमिनेंस जता के रखना चाहता है, किसी भी तरीके से वो यूएस की जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो 1941 के अंदर ठीक है जापान ने अर्ली मॉर्निंग 7 दिसंबर को 8 बजे के अराउंड अपने बहुत सारे प्लेन्स भेजे थे ठीक है, और बॉम्बर प्लेन्स, वो पर्ल हार्बर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था। तो मूवी आप लोग देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके रिस्पॉन्ड में फिर यूएस ने भी काफ़ी रिटेलिएशन किया था। मिडवे एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन के अंदर ही ठीक है ना, जहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि यूएस का डोमिनेंस है उस आइलैंड के ऊपर। यहाँ के तहत फिर बाद में इसका रिटेलिएशन हुआ था, जो पर्ल हार्बर का वो चल रहा था। और नुकसान ये हुआ था पर्ल हार्बर के ऊपर कि कुछ 2400 के आसपास अमेरिकन सिविल्स और ऑफिशियल्स थे उनकी डेथ हो गई थी ठीक है। उनके बहुत सारे 300 एयरप्लेन्स वाले वेसल्स उनके ख़राब और डिस्ट्रॉय हो गए थे। अच्छा बस यही हुआ था कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ पर नहीं थे उस टाइम। बाद में उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ करके जापान के ऊपर मिडवे आइलैंड के थ्रू बहुत सारा अटैक भी किया था, रिटेलिएशन हुआ था। मूवी आप लोग देखोगे आपको पता चल जाएगा। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और उन्होंने नेक्स्ट डे 8 दिसंबर को डिक्लेरेशन किया था कि हम लोग जापान के ऊपर अटैक करेंगे और हम लोग जापान पे वॉर को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ से पैसिफिक ओशन के अंदर जो था वो वॉर स्टार्ट हुआ था। तो मैं आप लोगों को एक बार इसके आउटकम्स और कॉजेस दिखा देता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक है, वो देखते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 यू मस्ट बी नोइंग कि 1914 से लेकर 1919 तक चल रहा था, और 1919 के अंदर ही हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था, ये बात भी आप लोगों को मालूम होगी। तो 1919 के बाद बहुत कुछ हुआ था 1939 तक। 1939 के अंदर जाके सितंबर के अंदर इस वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस थे। जो डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर वो इतना हॉरिबल था कि उसको हम लोगों ने एक और नाम दिया था वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स। लेकिन जो एग्रीमेंट था ना वर्ल्ड वॉर 1 एंड होने के बाद, उसने कोई भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया था। और कुछ हिस्टोरियंस की माने तो उसी के कारण जो नेक्स्ट कैटास्ट्रोफ था ना, यानी कि जो तबाही थी अगली, वो वर्ल्ड वॉर 2 वो उसी कारण हुई थी, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कोई भी अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। जो मेजर कॉजेज थे हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के वो बहुत सारे थे ठीक है ना। इसमें कुछ थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का इम्पैक्ट क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन भी चल रहा था, ये सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, अपीजमेंट का फेलियर हो जाना, जर्मनी के अंदर मिलिट्रिज्म का राइज होना, जापान में भी मिलिट्रिज्म का राइज होना, प्लस में लीग ऑफ नेशंस का फॉल हो जाना। एक एक करके सारे के सारे देखते हुए चलते हैं। ध्यान में रखना अलाइड पावर्स क्या थी और एक्सिस पावर क्या थी, दोबारा बताता चलता हूँ। एक्सिस सही से लिखना पड़ेगा, AXIS और एलाइड पावर्स, एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ ध्यान रखना। एक्सिस पावर में थी जर्मनी, इटली और जापान ठीक है। एलाइड में था UK, US, रशिया और चाइना। अब आप सोचोगे यार रशिया चाइना कम्युनिस्ट कंट्री US के साथ कैसे हो गए थे, हाँ इन सब की डोमिनेंस को रोकने के लिए UK, चाइना, रशिया एक साथ हो गए थे ठीक है। इनको ध्यान में रखना एलाइड में और एक्सिस में, आपको समझ में आता जाएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो विक्टोरियस एलाइड पावर्स थी ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि जर्मनी का फ्यूचर क्या होगा ठीक है। जर्मनी को फोर्स किया था कि वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को साइन करे, जर्मनी को अपना गिल्ट एक्सेप्ट करना था और कुछ रिपेरिएशंस देने थे। रिपेरिएशंस का मतलब क्या था कि मान के चलो कि जो भी बाकी कंट्रीज़ का नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के, अब मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 नहीं एक्सप्लेन करूँगा ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी नुकसान हुआ था उन कंट्रीज़ को जर्मनी को कुछ पैसे देने थे ठीक है ना। जर्मनी ने अपनी कुछ टेरिटरी को भी लॉस किया था ठीक है ना, फिर उनके ऊपर एक प्रोहिबिशन लग गया था कि वो लार्ज मिलिट्री एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। ये था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज का नुकसान। तो यहाँ से जर्मनी के अंदर बहुत सारा गुस्सा भी भर रहा था, सप्रेस कर रहे थे वो। इकोनॉमिक डिप्रेशन भी एक रीज़न था, पूरा वर्ल्ड था उसको इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था लेट 1920s के अंदर, क्योंकि जस्ट वॉर हुआ था, वॉर के कारण बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, एंड मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर। डिप्रेशन के अंदर इकोनॉमीज थी वो श्रिंक कर रही थी, ट्रेड था वो रिड्यूस हो रहा था, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, प्राइसेस फॉल कर रहे थे, बैंक्स फेल हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा था। समटाइम्स एक डिप्रेशन के दौरान लोग जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर की तरफ देखते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। यहीं से शुरुआत होती है 1933 में, एडॉल्फ हिटलर बनते हैं लीडर जर्मनी के, और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो जर्मनी की जो वेल्थ और पावर है उसको रिस्टोर करेंगे।
जर्मनी मिलिटरलिज्म, हिटलर ने इमीडिएटली सीक्रेटली, ध्यान देना सीक्रेट वर्ड के ऊपर, उन्होंने सीक्रेटली जर्मनी के लिए आर्मी और वेपन्स को बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया। ऑल दो ब्रिटेन और फ्रांस को पता था कि हिटलर के क्या एक्शंस होंगे, ठीक है ना, उन्होंने फिर भी उनको लगा कि एक स्ट्रॉन्गर जर्मनी जो है ना वो रशिया की तरफ से जो कम्युनिज्म आने वाला है जर्मनी की तरफ उसको रोकने में हेल्प करेगा। यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने इस अंडरस्टैंडिंग में गलती कर दी थी। 1936 में हिटलर ने ऑर्डर किया अपने जर्मन ट्रूप्स को कि वो जो भी रेनेलैंड फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में और जेकोस्लोविया में, यहाँ पर जो भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ हैं इनमें एंटर कर जाएं। इस पॉइंट के ऊपर ना ही फ्रांस और ना ही ब्रिटेन प्रिपेयर थे वॉर पे जाने के लिए। प्लस में जब जर्मन ने बोला तो ये था कि वो थोड़े बहुत एरिया में जाएंगे, जेकोस्लोवाकिया के अंदर इन्होंने कहा थोड़े का था, लेकिन ये पूरे के पूरे एरिया के ऊपर चले गए थे। इस पॉइंट के ऊपर 1936 के अंदर ने हिटलर ने इटली और जापान को अपने अलायंस बना लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। मिलिट्री अलायंस हो गया था जर्मनी, इटली और जापान का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एक्सिस पावर्स। फेलियर ऑफ अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है कि किसी दूसरे नेशन की डिमांड्स के ऊपर एग्री करना ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। 1930s के अंदर जो पॉलिटिशियंस थे ब्रिटेन और फ्रांस में, उन्होंने बिलीव किया कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हैं ये जर्मनी के लिए थोड़ी सी अनफेयर है और जो हिटलर के एक्शंस हैं ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल और जस्टिफाइबल है। ये जो बिलीव था जिसको ब्रिटेन ने अडॉप्ट किया गया था, इसको बोला गया था पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। एक एग्जाम्पल अपीजमेंट का म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था सेप्टेम्बर के 1938 के अंदर, जहाँ पर इस एग्रीमेंट में ब्रिटेन और फ्रांस ने अलाउ कर दिया था जर्मनी को कि वो जेकोस्लाविया के वो एरियाज़ को एनेक्स कर ले जहाँ पर जर्मन स्पीकर्स रहते हैं। जर्मनी ने एग्री किया कि वो सिर्फ उतने ही एरिया को एनेक्स करेगा, बाकी जेकोस्लाविया को वो नहीं एनेक्स करेगा। लेकिन मार्च 1939 के अंदर जर्मनी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और पूरे के पूरे जेकोस्लाविया को एनेक्स कर लिया। ना ही ब्रिटेन और ना ही फ्रांस इस समय पर प्रिपेयर था कि जर्मनी के अगेंस्ट कोई भी मिलिट्री एक्शन ले। सेप्टेम्बर 1, 1939 को जर्मनी की जो ट्रूप्स थी उन्होंने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यहाँ पर जर्मनी के ऊपर इमीडिएटली वॉर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर टू की, बिगिन यूरोप के अंदर। तो एक्चुअल में जो वर्ल्ड वॉर टू था वो स्टार्टिंग उसकी यूरोप में हुई थी। फिर हमारे पास एक और रीज़न था, एक और कॉज था वर्ल्ड वॉर टू का, वो था फेल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। जो लीग ऑफ नेशंस था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसको सेटअप किया गया था 1919 में ताकि पूरे विश्व में हम लोग शांति बनाए रखें। इसकी इंटेंशन थी कि जो भी कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होगा उसको हम लोग नेगोशिएशन से सेटअप से सेटल करेंगे, ना ही किसी फोर्स से, ठीक है। लीग ऑफ नेशन एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन अल्टीमेटली ये फेल हो गया। जो कंट्री जिन्होंने इसको लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया था, ठीक है ना, उनके पास कोई भी आर्मी नहीं थी किसी भी मिलिट्री एग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे उस समय पर इटली ने इन्वेड किया था इथोपिया को अफ्रीका के अंदर, जापान ने इन्वेड किया था चाइना के अंदर मंचूरिया को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज़ के पास इतनी आर्मी थी नहीं। तो उन्हें लगा कि लीग ऑफ नेशन जो है हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब इन कंट्रीज़ ने हेल्प मांगी थी, इथोपिया ने, चाइना ने हेल्प मांगी थी लीग ऑफ नेशन की, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो रहा था। फिर हम बात करते हैं जापान के मिलिट्रियलिज्म के अंदर। 1931 के अंदर जापान को भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। जापान के पीपल जो थे अपनी गवर्नमेंट के अंदर फेथ को लूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। फिर वो आर्मी की तरफ जाते हैं कि वहाँ कुछ सॉल्यूशन मिलेगा इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जापानीज़ को चाहिए थे नेचुरल रिसोर्सेज अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर। जापानीज़ आर्मी ने इन्वेड किया चाइना को। अब आप सोच रहे होंगे चाइना को कैसे इन्वेड कर सकते हैं, चाइना तो इतना बड़ा कंट्री है। देखो चाइना जो था ना 1940s के अंदर इवॉल्व हो गया था, जब से वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी। उससे पहले चाइना बहुत ही वीक कंट्री रहा था। चाइना की पूरी एक हिस्ट्री है सप्रेशन की, और जापानीज़ ने तो इनको इतना सप्रेस किया था ना, हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो पूरी की पूरी सेंचुरीज़ हैं इनके पास सप्रेशन की चाइना की। तो जापानीज़ आर्मी ने यहाँ पर इन्वेड किया चाइना को, एक एरिया जहाँ पर बहुत ही रिच मिनरल्स और रिसोर्सेज थे। चाइना ने हेल्प ली थी, हेल्प मांगी फिर यहाँ से लीग ऑफ नेशंस की। जापान ने लीग ऑफ नेशंस की जो भी इंस्ट्रक्शन थी उनको इग्नोर कर दिया और चाइना और कोरिया के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई किया। जब जापान ने इन्वेड किया था बाकी एरियाज साउथ ईस्ट के एशिया के, जैसे कि वियतनाम हो गया, तब वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का कंसर्न ग्रो हुआ क्योंकि उसकी कुछ टेरिटरीज थी एशिया के अंदर जैसे कि फिलीपींस और गुआम। जापान को लगा कि इनका जो एक्सपेंशन है ये थ्रेट कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को, और यहाँ पर उन्होंने अटैक किया पर्ल हार्बर को हवाई के अंदर, ठीक है। हवाई आपको पता होना चाहिए यूएस का एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, यूएस से थोड़ा सा पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, बट इसको रूल यूएस ही करता है, उसकी कैपिटल है होनोलुलु।
तो ये अटैक जापान ने किया था December 7, 1941 के अंदर। यहाँ से वर्ल्ड वॉर टू की बिगिनिंग हुई थी एशिया के अंदर। तो ये सारे के सारे आपने कॉजेज़ पढ़ लिए थे, अब मैं आपको दिखाता हूँ आउटकम्स क्या थे। लेंथी टॉपिक है लेकिन आपका हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता जा रहा हूँ, कहानी से अच्छे से याद होगा। वर्ल्ड वॉर टू के एंड के बाद पोट्सडैम एक जगह है जर्मनी के अंदर, उस जगह में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ताकि ट्रीटीज़ जो थी, पीस ट्रीटीज़ थी, उनको सेटअप किया जाए। वो कंट्रीज जो हिटलर की साइड से लड़ी थी उनकी टेरिटरीज लूज़ हो चुकी थी, वो हार चुके थे, उनको रिपेरिएशंस पे करने थे अपने एलाइज को। एलाइज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जर्मनी और उसकी कैपिटल जो बर्लिन थी, इसको डिवाइड किया जाना था चार पार्ट्स के अंदर। जो चार जोन्स थे उनको कंट्रोल करेंगे ब्रिटेन, US, फ्रांस और सोवियत यूनियन। अब जो तीन वेस्टर्न एलाइज थे ना और जो सोवियत यूनियन थे, ये डिसएग्री कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। एंड एज टाइम वेंट ऑन, जो अब तीन वेस्टर्न एलाइज आप समझ गए ना, US, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया जर्मनी को डिवाइड किया गया फिर दो सेपरेट कंट्रीज़ के अंदर। एक बन गया ईस्ट जर्मनी, ठीक है, जो कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और वेस्ट जर्मनी जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। बर्लिन को भी डिवाइड किया गया ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को ऑक्यूपाइड कर लिया गया था चारों एलाइज के द्वारा 1945 से 1955 तक। एक के बाद एक रशियंस ने स्टार्ट टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था उन कंट्रीज़ को जो ईस्टर्न यूरोप में थी, और वहाँ पर उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। जो डिवीज़न था यूरोप का, यहाँ से बिगिनिंग होती है कोल्ड वॉर की, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर जो कि वेस्ट के थे, और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी जो ईस्टर्न यूरोप की। जो आयरन कर्टेन था जिसको मार्क किया गया था, बॉर्डर था ये दो बड़े रीजन्स के बीच में। यहीं पर आपको मैंने बताया था कि जापान की भी किस तरीके से एंडिंग हुई थी, जापान का सरेंडर भी कैसे हुआ था। आफ्टर वॉर बहुत सारे जो नाजी के जो लीडर्स थे, जो जर्मनी की जो नाजी थे ना, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको पनिश किया गया उन्होंने वॉर में जो भी कुछ किया था उसके रिगार्डिंग। मोस्ट फेमस जो वॉर ट्रायल्स थे वो न्यूरमबर्ग में हुए थे जर्मनी के अंदर। वहाँ पर जो भी इस ब्रूटल क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हुई यहाँ से, ठीक है ना, और उनमें से वन ऑफ देम फोकस जो बर्लिन सिटी थी ना, जो कि रशियन जोन के डीप में थी, वहाँ पर जून 1948 के अंदर सोवियत यूनियन ने ट्राई किया था कि वो जो भी वेस्टर्न पावर्स थी बर्लिन के अंदर, उनके सभी उनको ड्राइव आउट करना चाहेगा, तो उनके सभी सिटी के रूट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था। तो पूरे एक साल तक जो एलाइज थे उन्होंने खाना, फ्यूल और जो बाकी चीज़ें थी ये पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए फ्लाइज से, यानी कि ऊपर से ड्रॉप किया था। फाइनली जो रशियंस थे उन्होंने गिव अप कर दिया और वहाँ से ब्लॉकेड की एंडिंग हुई। 1961 के अंदर रशियंस ने एक वॉल बिल्ड की बर्लिन के अराउंड ताकि उनके सिटीजन्स को वेस्ट की तरफ एस्केप होने से रोका जाए। जो बिगेस्ट टास्क था वो था कि यूरोप को रीबिल्ड करना था, जो कि अब तहस नहस हो चुका था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। 1948 के अंदर, अगर थोड़ा सा पीछे जाए 1961 से, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मार्शल प्लान सेटअप किया था किस तरीके से वो यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करेगा। 18 नेशंस को $13 बिलियन का की वर्थ फूड, मशीन और बाकी के जो गुड्स थे वो दिए जाएंगे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान चार एलाइड पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना, इन्होंने एग्री किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जो इनके पीस के लिए काम करेगी। अप्रैल 1945 में 50 कंट्रीज ने एक चार्टर साइन किया, जिसके बाद निकल के आया हमारा यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आउटकम्स। तो मैंने बहुत लंबा ले लिया इसमें टॉपिक में समय, पर ये आपको आना चाहिए। नाउ वी हैव GS पेपर 2, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ये टॉपिक कवर होता है हमारा अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कंटेक्स्ट क्या है? फॉर्मर यानी जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू, उनको रिसेंटली नया कैग अपॉइंट कर दिया गया है, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की बात की हुई है जो कि कैग होगा, और ये मैंशनड है पार्ट 5 के चैप्टर 5 में। पता होने चाहिए ये सब, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए वाले फैक्ट्स आपके। कैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 148 से 151 के अंदर मैंशनड है। अगर हम बात करें कि इनकी, ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। पब्लिक पर्स, जहाँ पर गवर्नमेंट का सारा टैक्स रेवेन्यू वगैरह आता है, उसके गार्जियन भी होते हैं। प्लस में पूरी कंट्री के अंदर सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर जो भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसको कंट्रोल भी करते हैं ये।
इनकी ड्यूटी क्या होती है कि जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड में है ना, ठीक है ना, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपहोल्ड करना और जो भी लॉज ऑफ पार्लियामेंट है उनके तहत गार्जियन उनको गाइड करना, कंट्रोल करना। अगर हम बात करते हैं कैग के अपॉइंटमेंट की टर्म की और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में, तो कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, एक वारंट होता है उनके हाथ में और एक सील होती है, फिर वो ऑफिस को होल्ड करते हैं 6 साल तक या फिर उनकी 65 इयर्स तक की एज हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, पता है लक्ष्मीकांत ने आप लोगों ने पढ़े होंगे या रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, नहीं पढ़े तो आप थोड़ा सा लेट चल रहे हो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, उनको पढ़ लो। या फिर कुछ लोग अभी करंट अफेयर से भी स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, स्टार्टिंग करंट अफेयर से करो, थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा बन जाता है। अगर हम कैग की ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है। आपको मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ जाते हैं और आप लोग जो देख चुके उनका रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड और कंटिजेंसी फंड क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है, फिर इनकी ड्यूटीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। इंडिया में 3 टाइप के फंड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स और तीसरा होता है कंटिजेंसी फंड, ठीक है। आर्टिकल 266 में ये आता है, 266 में ये आता है और 267 में कंटिजेंसी फंड आता है। कंटिजेंसी फंड को आप लोग सॉरी प्रेजेंट फंड भी बोल सकते हो। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बारी। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ना, यहाँ पर जो भी रेवेन्यूज़ रिसीव किए जाते हैं, जो भी लोन्स रेज किए जाते हैं या फिर जो भी इनकम रिसीव की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये डिपॉजिट की जाती है। जो भी लीगली ऑथराइज पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ के ऊपर, वो सारी की सारी इस फंड से की जाती हैं। कोई भी मनी इस अकाउंट से जो स्पेंड किया जाता है वो पार्लियामेंट की परमिशन के बिना नहीं स्पेंड कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है उस मनी को खर्च करने के लिए। फिर आता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। कोई भी पब्लिक मनी एक्सेप्ट जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा पब्लिक मनी जो भी हो गया है वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट में आ जाता है। बैंक सेविंग अकाउंट्स हो गए डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ के, ठीक है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हो गया जो कि डिस इन्वेस्टमेंट से अर्न किया जाता है। नेशनल कैलामिटी और कंटिजेंसी फंड हो गया, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया NDRF के साथ। कुछ जो भी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होता है, डिफेंस का फंड है, प्रोविडेंट फंड है, पोस्टल इंश्योरेंस है, जो भी सेस और स्पेसिफिक पर्पज़ की जो सर चार्ज हम लगाते हैं, सेस मैंने आपको बताया बहुत बार, टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट की स्कीम्स के फंड जैसे मनरेगा हो गया, इस पब्लिक अकाउंट्स के लिए हम लोगों को पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं चलती, यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री डील करती है। थर्ड हमारे पास आता है छोटा सा अकाउंट है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसको इमरजेंसी फंड बोल दो, इसको प्रेजिडेंट फंड बोल दो। ये 1950 में क्रिएट किया गया था। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 50 करोड़ थी, 2005 में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया था। ये प्रेसिडेंट के परमिशन से मिलता है, कभी भी कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर या इमरजेंसी आ जाए तब। इसको डायरेक्ट कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं। कभी भी कोई कंटिजेंसी फंड को यूज़ करना होता है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आप इस पैसे को पहले ले सकते हो डायरेक्ट फाइनेंस सेक्रेटरी के थ्रू, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर। देन आपको जब ये रिटर्न करना, मतलब इसको बाद में यूज़ करने के बाद आपको सैंक्शनिंग करवानी पड़ती है इसकी, इमरजेंसी, इसलिए इसका नाम दिया गया है। कभी कभी ऐसी नीड हो जाए कि अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है, तो इमरजेंसी फंड को यूज़ किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। फिर इसको बाद में जब सैंक्शन कराना पड़ता है, बताना पड़ता है कहाँ क्या कितना कुछ खर्चा हुआ, तो अप्रूवल इसका एक तरीके से बाद में किया जा सकता है। जो स्टेट्स होते हैं उनके पास अपने खुद के कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड्स होते हैं। अब आपको तीनों समझ में आ गया, अब हम चलते हैं ड्यूटीज़ के ऊपर कैग की। कैग का काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट करने में आप क्या करते हो, आप सारी की सारी बैलेंस शीट को चेक करते हो, कितना पैसा कहाँ से आया, किस चीज़ के लिए कितना खर्च होना चाहिए था, कितना खर्च हुआ, कितना बच गया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, इस चीज़ को बोलते हैं ऑडिटिंग। तो कैग का काम होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, हर एक स्टेट का, यूटी का, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उस सबकी ऑडिटिंग करना। कैग हमारी ऑडिटिंग करता है सभी एक्सपेंडिचर जो कंटिजेंसी फंड से भी जाते हैं, ठीक है ना, और इवन जो पब्लिक अकाउंट्स वगैरह हो गए हर एक स्टेट के, इंडिया के, उसमें भी कैग ऑडिट करता है। जो भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस के अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती हैं, बाकी जो सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब कैग कोई अकेला इंसान नहीं करता है, बहुत बड़ी टीम होती है इनकी, बहुत बड़ी टीम होती है, पूरा साल इनका यही काम होता है, ऑडिटिंग का काम चल रहे होते हैं।
टैक्स ऑडिट करता जो भी रिसीट्स आती है हमारे एक्सपेंडिचर की किसी भी बॉडी या अथॉरिटी की, जिनको सब्सटेंशली हमारे सेंट्रल या फिर स्टेट रिवेन्यू से फाइनेंस किया होता है, गवर्नमेंट कंपनीज की, बाकी कोई कॉरपोरेशन बॉडी होगी, जहाँ पर रिक्वायर्ड लॉज रिलेटेड लॉज होते हैं वहाँ पर एडिटिंग का काम, ऑडिटिंग AUDIT ऑडिटिंग का काम जो होता है वो कैग करते हैं। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं जो भी सेंटर और स्टेट की प्रेसिडेंट और गवर्नर को रेस्पेक्टली। सेंटर की जो भी ऑडिटिंग करके रिपोर्ट जाएगी उनकी प्रेसिडेंट के पास, स्टेट की ऑडिटिंग की रिपोर्ट जाती है उस स्टेट के रेस्पेक्टिव गवर्नर के पास, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्लेस करेंगे, गवर्नर उस रिपोर्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पर जो भी रेस्पेक्टिव है वहाँ पर प्लेस करेंगे। ये तीन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। एक ऑडिट रिपोर्ट होती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, एक ऑडिट रिपोर्ट होती है फाइनेंस अकाउंट की, और एक ऑडिट रिपोर्ट होती है पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। कैग और पैक के बारे में देख लेते हैं ज़रा। पैक क्या होता है? पैक होता है हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? देखो, हमारे पास इंडिया में तीन फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज़ है। स्टैंडिंग कमेटीज़ मैंने आप लोगों को बिल्कुल रिसेंटली एक्सप्लेन किया था। इंडिया में पहले तो दो तरह की कमेटीज़ बनती है पार्लियामेंट में। कमेटीज़ बनाई क्यों जाती हैं? कोई भी जो एडिशनल वर्क हो रहा होता है ना पार्लियामेंट की, डिबेट वगैरह डिस्कशन के अलावा, उन सब की स्क्रूटनी के लिए, किसी भी बिल वगैरह को पढ़ने के लिए, जाँच पड़ताल करने के लिए कमेटीज़ बनाई जाती हैं। उसमें दो टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग मतलब परमानेंट हैं, वो बनी हुई हैं, फिक्स हैं, बस उनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं अपडेट हो रहे होते हैं, वो फिक्स हैं। एक होती है एडहॉक। एडहॉक के अंदर हम क्या करते हैं, किसी टेम्परेरी पर्पज़ के लिए बनाते हैं, द मोमेंट वो पर्पज़ हमारा फुलफिल हो गया हम लोग उस कमेटी को डिसॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास तीन फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, यानी कि परमानेंट कमेटीज़ हैं। पहली कौन सी है? एक जैसे पैक ही हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पानी परमानेंट कमेटी है, ठीक है। फिर एक हमारे पास होती है एस्टीमेट कमेटी, बहुत बार न्यूज़ में रहती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, जो रिपीटेडली सुनते हैं उनका रिवीजन होता रहेगा। दूसरी होती है कोपू, COPU, उसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही इन कमेटीज़ के सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट भी करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। काम क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑडिटिंग रिवेन्यू वगैरह होता है उसके एक्सपेंडिचर को काम करना। तो पैक जो है, सॉरी कैग जो है, ये पैक के एक तरीके से गाइड होते हैं, फ्रेंड होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि कैग को कुछ इंडिपेंडेंस दी जाए? सबसे पहली बात तो टेन्योर की सिक्योरिटी होती है इनकी, ठीक है ना। इनको देखो, सिर्फ प्रेजिडेंट रिमूव कर सकते हैं, और कैसे रिमूव करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से रिमूव कर सकते हैं। जैसे गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर क्या करते हैं कि वो एंजॉय करते हैं जब तक प्रेजिडेंट चाहें उनको, तब तक प्रेजिडेंट की मर्जी जब हटाना चाहे हटा दे, लेकिन कैग के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस से ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर ऑफिस को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना, बल्कि अपॉइंट तो इनको प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन प्लेजर के ऊपर ऑफिस होल्ड नहीं करते। प्लस फर्दर कैग के बाद ही किसी फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल भी नहीं होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो गया, फिर किसी दूसरे स्टेट के अंदर हो गया, ठीक है। उनकी सैलरी और जो उनके सर्विस की कंडीशंस होती हैं ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। इनकी सैलरी वगैरह जो अलाउंसेस वर्क्स होते हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होते हैं। प्लस में इनकी अपॉइंटमेंट होने के बाद आप इनके डिसएडवांटेज में इनकी सैलरी को, इनके पर्क्स अलाउंस को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। डिसएडवांटेज में काम करने का मतलब होता है कि आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, मान लो उसकी सैलरी 1,00,000 रुपये थी, अपॉइंटमेंट के बाद आप बोलो कि नहीं, अब हम आपकी सैलरी कम करेंगे, हम आपको 70,000 रुपये देंगे, तो इनके डिसएडवांटेज में आप इनकी सैलरी वगैरह के ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं कैग के ऑफिस के अंदर, जिनकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं सब लोगों की, टीम की पूरी की, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होते हैं, ये सब की जाती हैं हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्लस में दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वोट करने का कोई पावर नहीं होता इनके पास। देन डिफरेंस बिटवीन, ये तो मैंने आपको बता ही दिए थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट्स भी बता दिया, कैग, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सब मैंने आपको बता दिया। नाउ वी हैव EWS कोटा चैलेंज रेफर टू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। EWS क्या होता है? EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस कोटा को चैलेंज किया गया है, तो उस चैलेंज को रेफ़र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर, ठीक है। जानने के लिए मैं आप लोगों को पहले
पहले इनमें से क्या दिखाऊं मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बताता हूँ पहले, वो समझना फिर आसान होगा, फिर ऊपर जाएंगे। आर्टिकल 145 का जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि एटलीस्ट 5 जजेस को एक केस सुनने की ज़रूरत है अगर वो जो केस है वो किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब्सटेंशियल है, तो उसको 5 जजेस का बेंच करेगा। बेंच का मतलब कितने लोग उस ग्रुप के अंदर हैं जो उसको सुनवाई करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कोई भी रेफरेंस जो कि अंडर आर्टिकल 143 के अंदर आती है जो डील करती है पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी कंसल्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसको भी 5 जजेस, कम से कम 5 जजेस का बेंच होगा वो डील करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है 5 जजेस से बड़े नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं अगर हम लोग, तो जो राइट टू प्रिवेसी था उसको जब 2017 में डिक्लेयर किया गया था फंडामेंटल राइट, उस समय 9 जजेस का एक बेंच बैठा था, ठीक है, उन्होंने यूनानिमसली डिक्लेयर किया था। यूनानिमसली का मतलब सबने एक तौर पर डिक्लेयर कर दिया था। प्लस में 13 जजेस के भी बेंचेस बैठाए गए हैं और 7 जज के बेंचेस भी बैठाए गए हैं। ओके, अब आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समझ में आ गया है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। उससे पहले भी मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट दोबारा पढ़ लेना चाहिए। इशू क्या चल रहा है अभी रिसेंटली, इकोनॉमिक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, सरकार ने अमेंड किया था आर्टिकल 15 और 16 को, उन्होंने उसमें कुछ क्लॉज ऐड कर दिए थे जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर आ गई थी कि वो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शंस को रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। और जो वैलिडिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ये चैलेंज हुई थी क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कैप लगाई गई थी कि 50% से ऊपर टोटल रिजर्वेशन होगा, 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी भी एजुकेशन में, किसी भी जॉब के अंदर या फिर किसी प्रमोशन के अंदर, ठीक है। एक 3 जजेस का बेंच बैठा था जिन्होंने कहा था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, जहाँ पर 10% कोटा देंगे, उन्होंने इसको स्टे लगाने से इस पर रिफ्यूज़ कर दिया था। ये था हमारे पास इशू। अब हम चलते हैं ऊपर, ठीक है, अब चलते हैं रेफरेंस वाली चीज़ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज के बेंच को रेफ़र किया है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ का, कि क्या जो ये 10% का रिजर्वेशन जो हम लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दे रहे हैं सोसाइटी को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये हमारी 50% की कैप को वायलेट करता है जो कि हम लोगों ने खुद ही लगाई थी, खुद ही डिक्लेयर की थी। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस टू ए लार्जर बेंच का मतलब होता है कि चैलेंज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप 5 जजेस को ये रेफरेंस दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो। आर्टिकल 145 का जो क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होंगे जो किसी पर्पज़ के लिए बैठेंगे, जो डिसाइड करेंगे किसी भी जज को, जब अगर वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर 5 जजेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 145 के क्लॉज 3 में मैंशनड है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं 2013 के, वो ये कहते हैं कि जो रिट पिटीशंस फाइल की जाती है जहाँ पर किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा होता है, ठीक है ना, उनको जनरली बेंच जो हियर करेगा वहाँ पर 2 जजेस होने चाहिए, अनटिल उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ना हो, और उस केस में अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा तो 5 जजेस का बेंच उस केस को सुनेगा। अब चैलेंज करने के क्या क्या ग्राउंड होते हैं, लॉ को प्राइमरली 2 ग्राउंड्स के ऊपर आप चैलेंज कर सकते हो। पहली चीज़ कि वो वॉयलेट करे आपके बेसिक स्ट्रक्चर को, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के ऊपर बात की जा रही है। दूसरी चीज़ वो वॉयलेट करे सुप्रीम कोर्ट की जो 1992 की रूलिंग थी इंदिरा साहनी वर्सेस ORS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। अपहेल्ड जब भी करता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था मंडल रिपोर्ट को, और वहाँ पर इन्होंने 50% की कैप लगा ली थी कि रिजर्वेशन के अंदर हम लोग 50% की कैप लगा देंगे। प्लस इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है ना, सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना हम लोग किसी भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेटअप नहीं कर सकते, सोल क्राइटेरिया नहीं सेटअप कर सकते, ठीक है। और जो पहले वाला था इट वॉलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये निकल के आया है जो हम लोग स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि 103rd अमेंडमेंट हुआ था ना वो डिपार्ट करता है इस चीज़ को, वो प्रॉमिस करता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन देगा सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कुछ वॉयलेशन हो रहा है इसलिए चेंजेस की बात की जा रही है। ऑल दो ऐसी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है इसकी कोई लिस्ट नहीं है, ये इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड किया जाता है कि कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है।
इशू क्या था ये बता दिया। अब सेंटर इस बात को डिफेंड कैसे कर रहा है, सेंटर ने बात आर्ग्यू की कि उन्होंने कहा कि देखो भाई हर एक स्टेट के पास एक प्रायोरिटिव होता है कि वो 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन प्रोवाइड करे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर और एडमिशन्स के अंदर वहाँ पर जहाँ पर स्टेट के द्वारा रन किए जा रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वेदर और नॉट कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है इन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट के स्कूल्स जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर एडमिशन देना है नहीं, ठीक है ना, ये सारे के सारे हम लोगों ने आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में डाले हैं और आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में डाले हैं। अब ये चीज़ें डिसाइड करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भाई उनको देना है या नहीं देना है। हमने अमेंडमेंट करके डाल दिया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों को इस चीज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने यह भी आर्ग्यू किया है कि जो आर्टिकल 46 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का, वहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम लोग इकोनॉमिक सेक्शंस जो होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। अब इन सब क्लेम्स को काउंटर करते हुए जो अमेंडमेंट है ये हमारा वॉयलेट करता है इंदिरा साहनी के जो प्रिंसिपल थे जहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलाई किया था अपने 2008 की रूलिंग में जहाँ पर बात की गई थी अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था कि ओबीसी को 27% कोटा मिलना चाहिए। जो आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो डेफिनेशन होगी ना ओबीसी की वो सिर्फ इस बात पर नहीं मनाएंगे कि क्राइटेरिया का कास्ट होगा, मतलब कास्ट का क्राइटेरिया रखा जाएगा, उन्होंने कहा था एक मिक्स रखेंगे, कास्ट को भी रखेंगे और इकोनॉमिक फैक्टर को भी रखेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था। तो अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है आपको टॉपिक, मुझे पता चलेगा। ये सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जीएस पेपर 3 के अंदर चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, उनकी लिमिटेशंस क्या कुछ हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असाइन किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर को। प्रायोरिटी मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण रख देना। आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करते हो ना, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, कैट की तैयारी करनी है, मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपकी प्रायोरिटी होती है, पढ़ना चाहते हो, सोशल मीडिया पर रखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि लैंडिंग यानी कि लोन वगैरह देना है, क्रेडिट वगैरह देने के लिए हम लोग इंडिया के जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं ना इनको हम लोग पीएसएल दे रहे थे, इनको प्रायोरिटी देंगे। इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है, आरबीआई और ज़्यादा फंड्स ओपन करेगा स्टार्टअप्स को लैंड करने के लिए, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। स्टार्टअप्स के पास कर्ज लेने को लेकर इजी मेथड नहीं होते, इजी एक्सेस नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ ट्रेडिशनल लेंडर के मैट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत ही ह्यूज बूस्टर होगा सफिशिएंट फंडिंग को लेकर। और कुछ प्राइमरी चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि सफिशिएंट फंडिंग नहीं होती या यूज़र अडॉप्शन नहीं हो पाता है। इसके बिसाइड्स जो स्टार्टअप्स हैं ये मोस्टली रिलाई करते हैं एक्सपेंसिव वेंचर के डेट के ऊपर। तो ये जो मूव हम लोग ने लिया पीएसएल का, ये हेल्प करेगा कि वो अपने आप को इक्विटी से फ्री कर सकें और लो कॉस्ट के अंदर यानी कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा उठा सकें, लोन ले सकें। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, इसका मतलब वो सेक्टर जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंट्री की बेसिक नीड्स में है और इनको बाकी सेक्टर से ऊपर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उनको हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। बैंक्स के ऊपर मैंडेट होता है कि वो इस तरह के सेक्टर्स की ग्रोथ को इनक्रेज करे और टाइमली क्रेडिट करता रहे, क्रेडिट मतलब इनको लोन देता रहे, कर्जा देता रहे। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं पीएसएल को लेकर शेड्यूल्ड पीएसएल को लेकर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में 40% जो टोटल नेट बैंक क्रेडिट होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर के एडवांसेस में जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, फोकस करना। 10% जो प्रायोरिटी के सेक्टर का एडवांस होगा और जो 10% टोटल नेट बैंक का क्रेडिट होगा ये जो भी हायर होगा ना ये जाएगा वीकर सेक्शन को, ठीक है, ओके। अब जो 18% है हमारे टोटल नेट बैंक के क्रेडिट का ये जाएगा एग्रीकल्चरल एडवांस को, ठीक है भैया। इस 18% के अंदर टारगेट के अंदर एग्रीकल्चर के जो 8% होगा वो जाएगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में, जो भी दोनों में से हायर होगा प्रिस्क्राइब किया जाएगा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इसको एक फेज्ड मैनर में अचीव करने के लिए बोला गया है। 5 ANBC और जो भी क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर हैं वो दोनों में से जो भी हायर होगा वो जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज को। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन से कैटेगरीज आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की, पता होनी चाहिए आपको।
एग्रीकल्चर भी होता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, प्राइवेट बोल जा रहा हूँ कभी कभी मिस्टेक से, प्रायोरिटी समझ लेना, गलती हो जाती है कभी कभी ऐसे। एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी सारे के सारे। पीएसएलसी क्या होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पर हम लोग बैंक्स को एनेबल करते हैं कि किस तरीके से अपने प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग के टारगेट्स को अचीव करेंगे और उनके सब टारगेट्स को भी अचीव करेंगे, कैसे वो इस इवेंट के शॉर्टफॉल में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करके। ये हेल्प करता है कि जो भी सरप्लस होता है हमारे पास बैंक के, उनको इंसेंटिवाइज करना, ठीक है ना, वो अपने एक्सेस अचीवमेंट को सेल करते हैं टारगेट्स के ऊपर, ताकि जो लैंडिंग होती है ना उसको एनहेंस करें। और इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। कंफ्यूजिंग है, जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा हुआ है उनके लिए इतनी परेशानी नहीं हो रही होगी, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा थोड़ी परेशानी हो रही होगी, चिंता मत करना, सुनते चलो, चीज़ें रिपीट होती हैं करंट अफेयर्स के अंदर, मंथली मैगजीन्स वगैरह के अंदर, एक दो बार कहीं से सुन लोगे समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े लिए हैं इसके अंदर भी, कौन इशू करता है प्रायोरिटी सेक्टर, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट वगैरह, आई थिंक सारे हो गए हैं इसके अंदर। वी हैव नाउ नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी हमारा आता है। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर वेरियस पार्ट्स के हैं कंट्री में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन सिस्टम वगैरह, उन सब में आता है। कंटेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फंडिंग स्टार्टअप्स अंडर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पोनेंट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2020-21 का एक कॉम्पोनेंट है इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप। ध्यान देना, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एग्रीप्रेन्योरशिप है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फंडिंग करेगा स्टार्टअप्स की। बैकग्राउंड क्या है, एक कॉम्पोनेंट है इनोवेशन और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर। क्यों लॉन्च हुआ था? ताकि एग्रीप्रेन्योरशिप के अंदर हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें, वहाँ पर इनोवेशन को प्रमोट करें और जो भी हमारा इंक्यूबेशन सिस्टम है उसको नर्चर करें। जो स्टार्टअप्स होते हैं वेरियस कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल आर्किटेक्चर हो गया, फार्म मैकेनाइजेशन हो गया, वेस्ट टू वेल्थ हो गया, डेयरी फिशरीज एट्सेट्रा। यहाँ पर फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स हैं इस स्कीम के अंदर, ठीक है। जो हमारा एग्रीप्रेन्योरशिप का ऑपरेशन है वहाँ पर 2 मंथ का ड्यूरेशन होगा, वहाँ पर मंथली स्टाइपेंड होगा ₹10,000 पर मंथ का। मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल, टेक्निकल और जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं वहाँ पर। देन वी हैव सीड स्टेज फंडिंग, ठीक है, RABI के जो इंक्यूबेट्स हैं, फंडिंग मिलेगी 25 लाख तक की, ठीक है। 85% ग्रांट होगा उसके अंदर, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इंक्यूबेटर के द्वारा आएगा, ठीक है, ये भी बात सही है। आइडिया और प्री सीड स्टेज फंडिंग होगी एग्रीप्रेन्योर्स की, यहाँ पर जो फंडिंग होगी 5 लाख रुपये तक की होगी, इसमें 90% ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो इनक्यूबेटर के तहत आएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम को इनिशिएट किया था हम लोगों ने 2007 में। एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है? जनरली आप एक अम्ब्रेला को क्यों यूज़ करते हो? प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसी स्कीम जो कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन या केयर या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है ना, जो जैसे कि आई थिंक एक स्कीम है मातृत्व वंदना योजना, तो वहाँ पर मैटरनिटी के रिगार्डिंग कुछ केयर प्रोवाइड की जाती है, तो उनको अम्ब्रेला स्कीम के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसका मेन एम क्या होगा? इंश्योर करना चाहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर में और उसके अलाइड सेक्टर्स के अंदर, उसके आसपास कनेक्टेड सेक्टर्स में। स्कीम क्या करेगी? स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करेगी, ठीक है, ताकि वो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकें। कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक नवंबर 2017 के मुताबिक कि जो भी कंटिन्यूएशन होगा हमारे ऑनगोइंग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के स्टेट प्लान्स में, वहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, इसको हम लोग बोलेंगे अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, यानी कि रफ्तार, RKVY रफ्तार। अब ये तो भारतीय सरकार का हम लोग मतलब अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक्रोनिम बनाने के अंदर तो मतलब एब्रीविएशन एक्रोनिम बनाने तो महान है, एक से बढ़ के एक बनाते हैं, रफ्तार दो, क्या सही चीज़ बनाई है इन्होंने। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का वो ये है कि हम लोग फार्मिंग को डेवलप करना चाहते हैं कि वो एक मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बने। इसके तहत हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि रिस्क मिटिगेशन,
यानी कि स्ट्रेंथन करना जो भी फार्मर्स के हमारे एफर्ट हैं, रिस्क मिटिगेशन मतलब मिटिगेशन किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना, फार्मर्स को लेकर जो रिस्क होते हैं उनकी गंभीरता को कम करना चाहते हैं, ठीक है। एग्री बिजनेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं, कैसे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करके, प्लस में जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर हम लोग ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अपनी लोकल नीड्स के मुताबिक प्लानिंग कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके और उसके नीड के अकॉर्डिंग वो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर सकें। हेल्पिंग फार्मर्स इन इंक्रीजिंग देयर इनकम, हम लोग उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करना चाहते हैं, जो भी उनकी वैल्यू चेन एडिशन होगी उसके रिगार्डिंग जो भी लिंक्ड प्रोडक्शन मॉडल्स होते हैं उन सब के अंदर हम लोग उनको प्रमोट करना चाहते हैं। To reduce the risk of farmers by focusing on increasing on their income generation, mushroom cultivation जैसे चीज़ों के तहत हम लोग उनका income generation को improve करना चाहते हैं, integrated farming वहाँ पर promote करना चाहते हैं, floriculture etc. के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं। यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के तहत, ठीक है, वहाँ पर हम इनोवेशन करना चाहते हैं एग्री बिजनेस मॉडल्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं फंडिंग के रिगार्डिंग, तो RKVY रफ्तार ये कंटिन्यू रहेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के में अंदर, जहाँ पर रेशियो रहेगा 60:40, यानी कि 60% जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% जो स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी रेस्पेक्टिवली, एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर शेयरिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देती है और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 10% देती है, और हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, तो वहाँ पर जो ग्रांट होता है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सेंट्रल स्पॉन्सर सेंटर सेक्टर, स्पॉन्सर करने का मतलब क्या है कि कोई स्कीम थी वहाँ पर सेंटर स्पॉन्सर करेगा, यानी कि कुछ पैसा स्पॉन्सर सेंटर देगा बाकी पैसा स्टेट लगाएगा। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि फुली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगा। तो यूनियन टेरिटरीज़ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सारी की सारी स्कीम सेंट्रल सेक्टर हो जाती हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, यूपी, जो बिहार है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी होती हैंगी। यहाँ पर अगर कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगी तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट स्पॉन्सर किया है। डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। स्कीम कब लॉन्च हुई थी, फंडिंग, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके कंपोनेंट्स सारे के सारे हमने कर लिए हैं। नाउ वी हैव टॉपिक सुनामी रेडी, दिस इज कवर्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। ओडिशा को एक दूसरा माइलस्टोन मिला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। उनकी जो लोकेशंस हैं वेंकट रायपुर गंजम में और नोलिया साही जगत सिंहपुर में, इनको यूनेस्को की IOC के तहत सुनामी रेडी कम्युनिटीज़ रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है। IOC क्या होता है, ठीक है, IOC होता है इंटर गवर्नमेंटल ओशेनोग्राफिक कमीशन। सुनामी रेडी एक कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है, इसको IOC जो कि यूनेस्को का है उसने इनिशिएट किया था, ताकि सुनामी के लेकर जो प्रिपेयर्डनेस है उसे हम प्रमोट कर सकें, ठीक है। पब्लिक कम्युनिटी लीडर, नेशनल लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसीज, इन सभी का एक एक्टिव कोलैबोरेशन हो इस प्रिपेयर्डनेस के अंदर। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोस्टल कम्युनिटी की प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना, स्पेशली सुनामी की इमरजेंसीज के लिए। जो भी हमारा लाइफ का लॉस और होता है और प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना, रिस्क को मिटिगेट करना। स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो हम कम्युनिटी को प्रिपेयर्डनेस के लिए बिल्ड करते हैं उसको इंश्योर करना। यहाँ पर हमारे लिए IOC के बारे में जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन क्या होता है, IOC को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था 1960 में। एक बॉडी है जिसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है यूनेस्को के विदिन, और ये ओनली कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है मरीन साइंस के लिए UN सिस्टम के अंदर। जो पर्पज़ है इस कमीशन का वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है और कोऑर्डिनेट रिसर्च के अंदर प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करना है, सर्विसेज हो गए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ताकि हम लोग नेचर और उसके रिसोर्सेज के बारे में, स्पेशली ओशियन और कोस्टल एरियाज़ के जो हैं उनके बारे में और जान पाएँ, प्लस में यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, अपनी नॉलेज को मैनेजमेंट के लिए इम्प्रूव कर पाएँ, मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, मेंबर स्टेट्स के लिए हम लोग एक अच्छा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एस्टेब्लिश कर सकें।
IOC को रिकॉग्नाइज किया गया था यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के द्वारा, जो कि लॉज ऑफ द सी, यूएन क्लॉज, इसको लॉज ऑफ द सी ट्रीटी भी बोलते हैं। बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था। ये एक कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मरीन साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में और ट्रांसफ़र ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। फिनिश हो गया।